Hi guys, question is, this is the question number 10 of exercise 5.1. Question is, fx is equal to x plus 1 if x is greater than equal to 1 and fx is equal to x square plus 1 if x is less than 1. देखो ये question है आपका double definition का. Double definition का मतलब same point पर x की value greater भी है और इसी point पर x की value less than भी है. यानी कि function जो है इसकी इस point के left hand side पे भी lie कर रहा है, right hand side पे भी lie कर रहा है as well as on this point भी lie कर रहा है. कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका 1 है, this is the left hand side of 1, this is the left hand side of 1 and this is the right hand side of 1, right hand side of 1 and this is at 1, at 1. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाता है कि आप कंटिन्यूटी चेक करो, तो आपको डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, क्राइटेरिया ये होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड से हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए. यहां पर ए जो है आपका वो वन है जिस पॉइंट पर आप चेक करो लिमिट को. इफ इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए देन फंक्शन इज कंटिन्यूस. लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा एट दिस पॉइंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेल बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. एक्सरसाइज 5.1 की कंप्लीट प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मैंने उसकी प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ. यहाँ पे मैंने एक एक कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ. मैंने एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो नहीं किया है. मैं पहले आपको डबल डेफिनेशन वाले से सारे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले मैंने वो करवाए हैं और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे. लेकिन क्वेश्चन मैंने सारे के सारे जो 34 क्वेश्चन है वो सारे मैंने करवाए हैं. तो आपको क्या करना है, आपको एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. एक एक क्वेश्चन को करने का जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे शेयर कर देना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे मैं कंसिडर करूंगा. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. लेट्स कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. थैंक यू. तो पॉइंट आपका क्या है, एक्स इक्वल टू वन. तो आप लिखोगे एट एक्स इक्वल टू वन, आप लिखोगे एट एक्स इक्वल टू वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम वन की लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब उस जो भी वो पॉइंट होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसकी नेगेटिव साइड होती है. यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, जैसे आपने वन के ऊपर माइनस लगाया इट मीन्स अब वन की लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वन माइनस का मतलब वेन एक्स इज लेस देन वन, वेन एक्स इज लेस देन वन. और यहाँ आ जाएगा आपका एफ एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस लिखोगे आप. अब जब आपका एक्स वन से छोटा है, जब आपका एक्स वन से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू का एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो फंक्शन की जगह ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन, फंक्शन की जगह ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन. यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है. अब आपको करना क्या है, अब एक्स की जगह वन पुट करना है. वन माइनस का मतलब ये था कि जब एक्स वन से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू का, लेकिन पुट आप वन ही करोगे. अब आप x की जगह 1 पुट कर दो, जैसे आप x की जगह 1 यानी क्या लिमिट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2. तो ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट. अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब हम राइट हैंड साइड यानी कि 1 की पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका एफ एक्स, यहां क्या आ जाएगा एफ एक्स. और जब आपका x 1 से बड़ा है, जब आपका x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू का x प्लस 1 है, तो इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 1. अगेन चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो राइट हैंड लिमिट हो वैल्यू आप x की जगह 1 ही पुट करोगे. तो x की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 और ये भी आपका 2 आ रहा है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी. अब बात आती है एफ ऑफ ए, क्या एफ ऑफ ए भी 2 आएगा. तो जब आप एफ ऑफ ए फाइंड करोगे, एफ ऑफ ए नाउ एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन का मतलब जब एक्स वन के इक्वल है. तो जब एक्स वन के इक्वल है यू कैन सी दैट इक्वल, जब एक्स वन के इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू का एक्स प्लस वन है, तो फंक्शन की वैल्यू का एक्स प्लस वन है. तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस वन, वन प्लस वन. क्यों आपने ऐसा लिखा, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन के इक्वल था तो एफ ऑफ वन जो है हमारा वो वन प्लस वन हो गया. वन प्लस वन भी क्या आ रहा है आपका टू. तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू है, राइट हैंड लिमिट भी टू है और एफ ऑफ वन भी टू है. तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आप क्या कहोगे, देयरफॉर देयरफॉर एफ एक्स इज
therefore fx is continuous, therefore fx is continuous at x equal to 1. क्यों ऐसा कहा आपने, पहले यहां लिखोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1. दिस इज द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टूडेज क्लास. आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके maths course की बात है, complete mathematics course की जो playlist का link है वो आपको description section में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.